हे गाइस वेलकम टू द स्काई अ न्यू एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे बताओ क्या पढ़ रहे थे सोशलिज्म इन इन यूरोप यूरोप अब सोशलिज्म में क्या पढ़ लिया था हमने हमने तीन ग्रुप्स पढ़ लिए थे लिबरल रेडिकल एंड कंजर्वेटिव ठीक है आई होप सब ने अच्छे से रिवाइज किए होंगे पढ़े होंगे और क्या पढ़ा था इंडस्ट्रियल सोसाइटी में होने वाले चेंजेस ठीक है कैसे इंडस्ट्रियल एरा ग्रो कर रहा था कैसे वहाँ पे रिवोल्यूशन हो रहे थे ये सारी चीजें कवर की थी अब हमने आगे क्या पढ़ना है सोशलिज्म इन यूरोप तो चलो देखो क्या है सोशलिज्म बहुत अच्छे से समझना ध्यान से सुनना बिल्कुल द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप देखो सोशलिज्म समझने के लिए कैपिटलिज्म समझना बहुत जरूरी है ठीक तो, है तो सोशलिज्म को हिंदी में बोलते हैं समाजवाद और कैपिटलिज्म को हिंदी में बोलते हैं पूंजीवाद ठीक तो कैपिटलिज्म क्या था कैपिटलिस्ट क्या था एक विचारधारा थी या फिर तुम बोल सकते हो थिंकिंग थॉट या फिर आइडियोलॉजी ठीक जब कैपिटलिज्म से लोग खुश नहीं थे तो कुछ फेमस फिलासफर्स या फिर इकोनॉमर ने इनमें कुछ चेंजेस किए और सोशलिज्म का आइडिया दिया फिर उसके बाद कम्युनिस्ट सोसाइटी ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म ठीक है कैपिटलिज्म समझो पहले कि क्या होता है देखो ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि अब तुम्हें सोशलिज्म को समझना है अच्छे से इसलिए कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म समझना बहुत जरूरी है ठीक है तो सबसे पहले देखो कैपिटलिस्ट होता है क्या कैसे कैपिटलिस्ट कंट्री वर्क करती है तो कैपिटलिस्ट एक ऐसी विचारधारा और आइडियोलॉजी थी जो सिर्फ इंडस्ट्रीज को इनकरेज करती थी प्राइवेटाइजेशन को इनकरेज करती थी फॉर एग्जाम्पल लाइक टाटा ग्रुप एंड रिलायंस ये करेंट एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं तुम्हें ठीक है ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं कैपिटलिस्ट सोच को बढ़ावा देती हैं इससे प्रॉब्लम ये थी कि ये सिर्फ रिच वेल्दी या फिर हायर क्लास को ही इनकेज करती थी है ना सपोर्ट करते थे इनकी सोच में मिडिल क्लास वीकर सेक्शन के लिए प्लान नहीं था यानी वीकर सेक्शन जिसमें लेबर वर्कर्स या फिर पुअर्स आते थे ठीक है पीजेंट्स तो इनको कैसे ग्रो करना है ये कैपिटलिस्ट विचारधारा में इनका कोई जिक्र नहीं था ठीक है अच्छा एक और बात ये कैपिटलिज्म की सोच दिमाग में आई कैसे है ना कुछ तो खराब मैनेजमेंट रहा होगा यूरोप में तब है जिसकी वजह से ये सोच सामने आई कि हमें ऐसे क्या, हमारी कंट्री कैपिटलिस्ट होनी चाहिए है ना तो देखो जब मुनाक सिस्टम था उस वक्त लैंड ओनर्स या फिर फैक्ट्री ओनर वर्कर को सिर्फ उनके गुजारे करने भर का क्या देते थे दे? वेजेस देते थे दे. मतलब जिससे उनका सिर्फ रोटी पानी चले और उसके अलावा कुछ वो सेविंग्स अपनी ना रख पाए सिर्फ इतना उन्हें मिलता था ठीक तो उनकी कुछ भी सेविंग्स नहीं होती थी तो पुअर सेक्शन बहुत ज्यादा परेशान था इस सिस्टम से फिर जब मुनाक सिस्टम खत्म हुआ नई गवर्नमेंट बनी नया सिस्टम आया जिसमें वर्कर को सैलरी मिलने लगी लेकिन अभी भी अभी भी क्या था गवर्नमेंट के कंट्रोल में कुछ नहीं था बड़े बड़े लोग ही इंडिविजुअली अपनी कंपनी या फिर फैक्ट्री चला रहे थे अगर हजार रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो दो सौ रुपए वर्कर्स में डिवाइड हो जाते थे और आठ सौ रुपए जो अपना ओनर होता था उसके पास चले जाते थे ठीक है तो नॉर्मल लोग जो मिडिल क्लास थे उनको कोई फायदा नहीं हो रहा था वो लोग ग्रो नहीं कर पा रहे थे ठीक है तो सारा फायदा सिर्फ जो रिच लोग थे जो ये जो अपनी इंडस्ट्रीज अपनी फैक्ट्रीज चलाते थे सिर्फ उनको ही प्रॉफिट होता था आज भी अगर गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी को प्रमोट करती है ना या फिर उसको इंकरेज करती है तो पॉलिटिकल इश्यूज हो जाते हैं ना बहस होती है डिबेट होती है न्यूज चैनल में देखा होगा अगर न्यूज देखते होगे तो ठीक है तो ये वजह थी कि कैपिटलिज्म की सोच को खत्म किया जाए और सोशलिज्म यानी समाजवाद को बढ़ावा दिया जाए समझ में आया ठीक है अब समझते हैं कि सोशलिज्म क्या होता है अभी हमने तुम्हें पूरी कैपिटलिस्ट क्या होता है ये बता दिया क्योंकि कैपिटलिस्ट के बाद ही सोशलिज्म वाली थिंकिंग आती है देन कम्युनिज्म आता है ठीक है तो अब पॉइंट आया है कि सोशलिज्म क्या था और यूरोप में क्या सोच थी सोशलिज्म वाली और कैसे चीजें आगे बढ़ रही थी ठीक तो सोशलिस्ट uh, का मानना था कि हर किसी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए फॉर एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल से समझो लाइक uh, like एक फैक्ट्री है जिसमें टोटल पचास लोग काम करते हैं अब मंथली या फिर कह सकते हैं एनुअली जितना भी प्रॉफिट हो उसे इक्वल रेशियो में डिवाइड करना मतलब सबको बराबर किसी को भी कम किसी को ज़्यादा ना मिले ये सोच थी किसकी सोशलिस्ट की ठीक है अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे अब ये तो फायदे तो तुम्हें समझ में आ गए फायदा तो ये था कि सोशलिस्ट जो थिंकिंग थी वो ये चाहते थे कि कंपनी में जो भी वर्कर काम करते सबको इक्वल इक्वल मिले ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा अब इसके नुकसान क्या थे पहले ये देख लो कि सोशलिस्ट जैसी सोच किस महान पुरुष के दिमाग की देन है हाँ तो सबसे पहले आते हैं हमारे रॉबर्ट ओवन इनको तो माइक्रोवेव ओवन होता है ना उससे याद रखो तो रॉबर्ट ओवन इन्होंने सोसाइटी की डिमांड की जिसमें ग्रुप ऑफ मेंबर मिलके काम करें और प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दे ठीक है लेकिन लेकिन क्या होता है ना कुछ सोशलिस्ट ऐसे भी थे जिन्हें लगता था कि ऐसे एसोसिएशन बना के काम करने से काम चलेगा नहीं है ना ये आपस में ही लड़ जाएंगे कुछ लोगों को लगता था कि ग्रुप्स गवर्नमेंट के अंडर आने चाहिए उनके कंट्रोल में रहने चाहिए चीज़, इससे चीजें स्मूथली रन करेंगी ठीक है खुद ही सोचो जैसे अपना यूपी है इतना बड़ा है ना कितने ग्रोस बनेंगे छोटे छोटे फिर पैसे का लालच तो हर किसी को होता है आपस में लड़ जाएंगे इसीलिए एक और महान पुरुष थे जिनका नाम था लुइस ब्लैंक ये लुइस सिक्सटी नहीं है ये लुइस ब्लैंक है ठीक है तो इन्होंने कहा कि देखो बाकी सब तो ठीक है लेकिन प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में डिवाइड नहीं करो है ना ये पहले तो उन्होंने कहा कि प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में ना डिवाइड करो और दूसरी बात इन्होंने ये बोला कि सोशलिस्ट सोसाइटी या इस सोच को गवर्नमेंट को इनक्रेज करना चाहिए और कैपिटलिस्ट इंटरप्राइज को रिप्लेस करना चाहिए इनकी तीन मतलब इनकी तीन थिंकिंग थी ये ये चाहते थे कि जो प्रॉफिट है इसको इक्वल रेशियो में ना डिवाइड किया जाए दूसरी चीज जो सोशलिस्ट सोच है इसको गवर्नमेंट प्रमोट करे इनकरेज करे और रिप्लेस करे किसको प्राइवेट इंटरप्राइज को जो प्राइवेटाइजेशन है इसको रिप्लेस करे Capitalist सोच को रिप्लेस करे ठीक है तो अब क्या होता है देखो तो याद रखना ये जो डिवाइड uh, वाली जो थ्योरी थी ना वो लोइस ब्लैंक की थी ठीक है डायरेक्ट एग्जाम में अगर पूछा गया कि लोइस ब्लैंक की क्या थ्योरी थी तो इनकी ये तीन थिंकिंग की जिसमें कि ये इंपॉर्टेंट है डिवाइड वाली इक्वल रेशियो वाली ठीक है यहीं पर तुमको ड्रॉबैक बता देते हैं सोशलिज्म के देखो क्या था ना कि जैसे कि सोशलिज्म के अकॉर्डिंग चीजें इक्वल रेशियो में डिवाइड होनी चाहिए इक्वलिटी की बात की, की गई है ना यहाँ पे तो अगर उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो घाटा हो जाएगा कैसे देखो क्या है ना मान लो एक कंपनी है जिसमें गार्ड भी होता है रिसेप्शनिस्ट होता है डेटा एंट्री करने वाला होता है और कंप्यूटर पे वर्क करने वाला भी ठीक है मैनेजर एंड ऑल तो अगर कंप्यूटर पे वर्क करने वाले को और गार्ड को इक्वल अगर सैलरी मिलने लगी है ना तो सब गार्ड ही बन जाएंगे मेहनत कौन करना चाहेगा कोई नहीं ना कोई नहीं पढ़ना चाहेगा अगर गार्ड बनकर मैनेजर की इक्वल सैलरी मिल रही है तो मैनेजर की तक जाने के लिए कोई मेहनत क्यों करेगा तो ये पॉइंट था तो लोइस ब्लैंक का यही मानना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए लोगों को उनके टैलेंट उनके वर्क के अकॉर्डिंग ही सैलरी मिलना चाहिए रेशियो में इक्वल रेशियो में प्रॉफिट या फिर पैसे नहीं डिवाइड होने चाहिए अब समझ में आया क्या थी सोशलिज्म की विचारधारा उनकी सोच ठीक चलो अब इससे थोड़ा आगे बढ़ो अब होती है एक बहुत ही और भी ज्यादा महान पुरुष की एंट्री इनका नाम है कार्ल मार्क्स नाम देख रहे हो मतलब नाम में इनका इतना दम है बातों में कितना होगा है ना देखो तो इन्होंने क्या कहा था तो इन अंकल जी को लगता था कि कैपिटलिस्ट वर्कर से काम करवाते हैं और उनके थ्रू अच्छी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट का पूरी तरह से फायदा उठाते हैं लेबर का एक्सप्टेशन करते हैं तो उन्होंने लेबर को इनकरेज और ग्रो करने के लिए सोशलिस्ट सोसाइटी को इनकरेज किया ठीक है जो कि आगे चल के एक कम्युनिस्ट सोच बन जाती है ठीक है एक कम्युनिज्म विचारधारा आगे डेवलप हो जाती है इनकी जो थ्योरी होती है उनमें कुछ इम्प्लीमेंट होते हैं ठीक है तब जाके वो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनती है एक विचारधारा बनती है देखो इन तीनों में ना ज्यादा डिफरेंस नहीं है रॉबर्ट ने कहा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रमोट करो लुइस ब्लैंक ने कहा कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए और प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में नहीं बल्कि उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड होना चाहिए कार्ल मार्क्स ने कहा सोशलिस्ट को बढ़ावा देते हुए कि गवर्नमेंट शुड कंट्रोल प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इनकरेज देम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वीकर सेक्शन कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे ठीक है सबको बराबर का अधिकार मिले लोग आगे बढ़े खुश रहें ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था इनका मेन फोकस था लेबर्स को उनके राइट right दिलाना उनके पार्स इसी सोसाइटी को कम्युनिस्ट कहते हैं ठीक है कार्ल मार्क्स के बाद एक और आए लेनिन इन्होंने कुछ चेंजेस किए किसकी कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी उनमें कुछ चेंजेस किए जो आज भी कुछ कंट्रीज फॉलो करती हैं लाइक चाइना है क्यूबा लाओस वियतनाम ये सब कुछ कम्युनिस्ट स्टेट हैं इन कंट्रीज में ना वोट करने का राइट नहीं है सबको हर किसी को वोट करने का राइट नहीं है लाइक चाइना में जो लेबर है सिर्फ वही वोट कर सकता है यानी कि जो जॉब करते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉ हैं या फिर जो नॉर्मल जॉब करते हैं इनको सैलरी मिलती है वो वोट नहीं कर सकते सिर्फ लेबर ही वोट कर सकता है तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो मार्क्सिज्म और लनिज्म की थ्योरी पे चलते हैं देखो वैसे तो ये कैपिटलिज्म सोशलिज्म कम्युनिज्म खुद में बहुत बड़े टॉपिक हैं लेकिन तुमको ज्यादा नहीं पढ़ना तुमको सिर्फ इक्तू सा पढ़ना है तो इत्तू से के अलावा भी मैंने तुम्हें बहुत कुछ बता दिया है इन तीनों चीज़ों में तुम्हारे चैप्टर में इतना ज़्यादा नहीं है तुम्हारे चैप्टर में सिर्फ थोड़ा सा बताया गया है कि यूरोप में सोशलिज्म वाली क्या सोच थी कैसी थिंकिंग थी कैसे लोग उसके अकॉर्डिंग चलना चाहते थे ठीक तो आई होप अब यूरोप में सोशलिज्म की जो विचारधारा थी वो क्या थी कैसे थी कैसे आगे बढ़ी अब ये समझ में आ गया होगा ठीक है तो अब आगे बढ़ो और देखो क्या है कैसे सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे वहां के लोग किस तरह से यूरोप में हर कोई सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहा था ठीक है 1870 1870 तक सोशलिस्ट आइडिया पूरे यूरोप में फैल चुके थे इंग्लैंड और जर्मनी में वर्कर बेटर वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन के लिए प्रोटेस्ट करने लगे वर्किंग आर कम करने की डिमांड करने लगे अपने राइट्स के लिए अपने राइट टू वोट के लिए बोलने लगे उसके बाद 1905 फाइव में 1905 फाइव में सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट ने मिलकर एक लेबर पार्टी बनाई ब्रिटेन में ठीक है सोशलिस्ट पार्टी बनाई फ्रांस में उसके बाद फिर आते हैं नाइनटीन तक क्या हुआ था तो यूरोप में सोशलिस्ट अपनी गवर्नमेंट बना नहीं पाए लेकिन लिबरल रेडिकल और कंज़र्वेटिव सोच रखने वाले अपनी तरह से गवर्नमेंट रन करा रहे थे मतलब हमने तो फिलासफर्स के आइडिया पड़े ठीक है समझा लेकिन गवर्नमेंट तो वही तीन लोग महान पुरुष वही तीन ग्रुप वाले लोग चला रहे थे उनके अकॉर्डिंग चल रहा था अब कोई नहीं नाइनटीन फोर्टीन तक तो नहीं लेकिन आगे चल के जरूर बदलाव आएंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखो फिर नेक्स्ट क्लास में अब हम आगे पढ़ेंगे रशियन रिवॉल्यूशन ठीक है तब तक के लिए जो पढ़ाया है इसको रिवाइज करो और ठीक है कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर देना ओके थैंक यू बाय बाय